सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है किसी का भी मैनेज करने के लिए, जब भी हम पोजिशनली ट्रेड करते हैं, आपको ना बहुत जल्दी डिसाइड करना पड़ता है कि ये मुझे हटना है इस ट्रेड के अंदर से। जैसे मैं यहाँ पे नहीं देखता कि मुझे उसमें 40,000 का लॉस हो रहा है या 50,000 का लॉस हो रहा है या 40,000 मैं कमा रहा हूँ। आपका अगर ये जो कुछ गलतियां हैं मैं वो भी सस्टेन कर सकूँ और उसके बाद भी मेरे पास 5% बच जाए, आई एम गुड टू गो, मतलब मेरा महीना ठीक हो गया। तो मैं इसीलिए, आप कैसे मार्केट को प्ले आउट कर सकते हो, प्ले करना आना चाहिए मार्केट को आपको कि हाँ मैं इस चीज को ऐसे करूंगा तो ये चीज हो सकती है। तो मेरा प्ले करने का तरीका है, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डे गेट्स अगेन। और नवंबर मंथ देखो बीत गया है, ठीक है, और नवंबर मंथ में आपने देखा कि अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम के अंदर मैं नवंबर मंथ के लिए मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई थी पोजिशनली, बिकॉज बैंक निफ्टी पोजिशनली शिफ्ट हो चुका है, अब वीकली एक्सपायरी नहीं रही, तो मैं मंथली एक्सपायरीज पर ज़्यादा मोटिवेट हो गया हूँ और मेनली इंटरेस्टेड उसी में हूँ। तो मेरा फोकस ये रहता है कि कैन आई अर्न 4-5% या 3% जो भी मंथली आ रहा है। तो नवंबर मंथ बहुत अच्छा था, मैंने एक चैलेंज की तरह ही स्टार्ट किया उसको कि हम पोजिशनली ट्रेड करके क्या किसी अमाउंट को जो मैंने 30 लाख से स्टार्ट किया, क्या हम उसे 1 CR तक लेके जा सकते हैं। तो नवंबर मंथ बहुत अच्छा था, उसमें हमने अराउंड लगभग 9.1% के आसपास कमाए, अराउंड 3 लाख के आसपास का प्रॉफिट था। इट इज़ अ गुड मंथ, बट हर महीना ऐसा नहीं हो सकता है। तो अभी जो दिसंबर का महीना स्टार्ट हुआ है इसमें मैंने कुछ ट्रेड्स ले लिए हैं। देखो मेरा ट्रेड लेने का तरीका कैसा होता है, हमेशा ट्रेड लेने का तरीका, मैं इंट्राडे में जब कुछ भी मूवमेंट हो रहा होता है तो उसका फायदा उठाने का पहले स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मान लो कि मेरा ना आज प्लान है पोजिशनल ट्रेड डालने का, ठीक है, और मॉर्निंग में अपसाइड का मूव आ गया, तो मैं पहले ट्राई करता हूँ कि मैं हिट एंड ट्रायल, लाइक मैं पुट साइड की ट्रेड छोटी सी पहले बना लूँ, जिससे क्या होगा जो मेरा पुट साइड है थोड़ा सा प्रॉफिट में चला जाए, एंड देन आई सी कि ऑप्शन में क्या मार्केट चल रहा है, कैसे क्या हुआ, क्या मूवमेंट है, उसके बेसिस में फिर मैं कॉल साइड की एड करता हूँ और फिर मैं नॉन डायरेक्शनली उसको होल्ड करके चला जाता हूँ। ऑब्वियसली दिस इज अ स्प्रेड, मतलब हेज साथ में लेके ही जाऊंगा क्योंकि ओवरनाइट है तो हम एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही कर सकते हैं। तो दिसंबर के कुछ ट्रेड्स मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं और टेलीग्राम पे शेयर भी किए थे, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो इफ यू वांट टू फॉलो पोजिशनल ट्रेड्स, ठीक है। तो अभी हम दिसंबर के लिए चलो बात करते हैं डायरेक्टली। दिसंबर में देखो मैं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं मेनली, तो बैंक निफ्टी में देखो यहां पे मैंने ना एक वॉल्यूम रेंज लगा रखी है, ये आप में से कई लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, ये मैंने सिर्फ इसलिए लगाया, आप व्यूएप लगाओगे तब भी समझ आ जाएगा और नहीं लगाओगे तब भी समझ आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। इस बड़े वॉल्यूम एरिया का मतलब ये है कि हाईएस्ट ट्रेडिंग इस एरिया में हुई है, मतलब ये जो एरिया है ना, बॉक्स बना के दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने अगर बॉक्स ऐसे करके क्रिएट कर दिया ना एक बार में, वेट यू, तो बेसिकली आप ये समझ लो कि ये जो एरिया है इस बॉक्स के अंदर, मैं इन्हें दोनों को डिलीट कर देता हूँ, ये फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है। बेसिकली ये बताती है कि ये जो एरिया है ना, इस एरिया में मार्केट की हाईएस्ट वॉल्यूम है। हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ना बायर्स और सेलर्स के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है, ठीक है। तो अगर मार्केट, मैं जस्ट मुझे चालू कर लेने दो, अगर मार्केट इसके ऊपर गया, इस जगह के ऊपर गया, तो बेसिकली उसका मीनिंग इतना सा होता है कि यहाँ पे जो ये पूरी फाइट चल रही थी अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और हाईएस्ट वॉल्यूम क्रिएट हुई, मतलब बाई सेल इतना सारा हुआ, तो अंत में कौन जीता, तो अंत में अगर मार्केट यहाँ को क्रॉस कर जाती है, मतलब बेसिकली इस वॉल्यूम एरिया को क्रॉस कर जाती है, तो सिंपली ये मीनिंग निकलता है कि यहाँ पे बायर्स जीत गए। अगर इसी की जगह क्या हो, मार्केट इसके नीचे आ जाए, इस एरिया के नीचे आ जाए, मतलब इस वॉल्यूम के नीचे चली जाए, तो सिंपली इसका मतलब ये होता है कि सेलर्स जीत गए। जब तक इन दोनों के बीच में मार्केट है तो वो क्या कहलाएगी, साइडवेज मार्केट कहलाएगी, ठीक है। दिस इज जस्ट वन पर्पस, अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। ओके अब मैंने ना यहाँ पे एक सेंटर लाइन ऐसे खींच रखी है, ये सेंटर लाइन बेसिकली उसका मिड पॉइंट है जो अभी हमने वॉल्यूम प्रोफाइल लगाई थी। इसको एक और तरीके से आप जज कैसे कर सकते हो, आपको अगर सेम चीज को जज करना है तो आप इंडिकेटर्स में जाओ, आप यहाँ पे वीवीएप लगाओ, ठीक है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है, एंड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का सेटिंग्स में जाओ। सेटिंग्स के बाद जो एंकर्ड पीरियड दिख रहा है ना आपको, ये सेशन वाइज है, मैं इसको सेशन की जगह मंथली वाइज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं मंथ करने के बाद इसकी सेटिंग्स में गया, इसके बैंड हटा दिए मैंने, ठीक है, इसका कलर कर देता हूँ मैं वाइट, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसमें मंथली वाइज का मतलब ये है कि हर मंथ ये स्टार्ट होता है, तो ये जो अक्टूबर का मंथ जब स्टार्ट हुआ फर्स्ट से,
तो इसमें मैंने ये एक सेंटर में क्लाइम की, जहां पे भी वीवैप फ्लैट हो जाए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मार्केट साइडवेज है। सिंपल मीनिंग है इसका, अगर वीवैप की लाइन फ्लैट है इसका मतलब ये है कि मार्केट साइडवेज है। तो अगर मैं इस जगह पे एक लाइन खींच दूँ रेड कलर की, ठीक है, फिर मैं अगले महीने जाता हूँ, ये सेप्टेम्बर का महीना है, सेप्टेम्बर के महीने में देखूँ तो सिर्फ बुलिश मूव था अपर साइड में, बट फिर भी एक ये वाला एरिया था, इतने एरिया में जो वीवैप था वो थोड़ा बहुत फ्लैट था, ठीक है, जो कि अक्टूबर की लाइन से मैच करता है। देन उसके पहले अगर मैं जाऊँगा तो अगस्त की मंथ में क्या था, अगस्त के मंथ में लाइन कुछ यहाँ पे थी फ्लैट वाली, इस जगह पे, और उसके पीछे जाऊंगा जुलाई के महीने में तो फ्लैट की लाइन कुछ इस जगह पे थी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने बिल्कुल भी चार्ट नहीं देखा है, बिल्कुल भी चार्ट ओपन करके इस साइड में नहीं देखा राइट में क्या चल रहा है, मैंने सिर्फ जो पीछे के महीनों में जो भी हुआ है, जहां पे वीवैप की लाइन फ्लैट है उस जगह पे मैंने एक लाइन खींची है। अब देखो क्या हुआ, मैंने लाइन खींची है बट अपने आप सपोर्ट रेजिस्टेंस वॉल्यूम सब खुद ब खुद क्रिएट हो गया। ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि जो हम रीड कर रहे हैं ना, जो वीवैप में दिखाता है और जो वॉल्यूम प्रोफाइल में दिखाता है ऑलमोस्ट सिमिलर मैच करता है, कुछ भी खास आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो अब ये देखो अपर एरिया, जहां पे बेसिकली ये वाला जो एरिया है जो जुलाई मंथ का वीवैप था वो उस जगह पे था, जो डाउन साइड है वो अगस्त मंथ का वीवैप था, मतलब जुलाई से अगस्त के बीच में, जुलाई अगस्त के बीच में जो पूरा एक रेंज क्रिएट हुआ था ना, मार्केट एक्चुअली में उसी रेंज पे ट्रेड कर रहा है मार्केट अभी सेम इस वक्त, ठीक है। तो अब हमें अगर उस एरिया से निकलना है तो या तो हमें सितंबर जैसा मूव देना पड़ेगा या तो अक्टूबर जैसा मूव देना पड़ेगा जिससे वीवैप शिफ्ट हो, ठीक है। तो अब अगर इस वीवैप को शिफ्ट होना है तो या तो मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा या तो मार्केट को नीचे जाना पड़ेगा। अब मार्केट में जो सेंटर में लाइन है ना, सेंटर में लाइन है वो चीज की जहां पे हाईएस्ट वॉल्यूम है, तो अगर मार्केट इसके नीचे आएगा ना तो बेसिकली कॉल साइड ज्यादा हैवी हो जाएंगी। तो अब मुझे ना इसके बीच में समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो एक तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ का कॉल और यहाँ का पुट बेच दो और होल्ड करके रखो, बट जब भी महीना स्टार्ट होता है, जैसे दिसंबर स्टार्ट हुआ, तो आपको देखने को मिलेगा कि फ्यूचर और स्पॉट के प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो जब आप स्पॉट के हिसाब से ऑप्शंस को देखते हो तो आपको दिखता है यार कॉल बहुत महंगा है या फिर पुट बहुत महंगा है, बट सेम अगर फ्यूचर के हिसाब से देखोगे तो आपको दिखेगा यार आप तो अपने जो स्टॉक का प्राइस है, मतलब स्पॉट प्राइस है, उससे बहुत दूर हो, 500 600 पॉइंट अवे हो। तो वो चीज बहुत मैटर करने लगती है यहाँ पे। सेम चीज यहाँ पे हुई, देखो मैं आपको अभी जो मेरी ट्रेड थी ना वो मैं दिखाता हूँ। मैंने 28 तारीख से ट्रेड डालना शुरू कर दी थी, 27, 28, ये देखो 28 तारीख को अराउंड 10 बजे, 28 तारीख को अराउंड 10 बजे मैंने पुट साइड की ट्रेड ली थी, बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी की बात हो रही है यहाँ पे, मैंने पुट साइड की ट्रेड ली थी जहां मैंने 52,300 का पुट बेचा था और 51,000 का पुट बाई किया था, अराउंड इसको आप समझ सकते हो कि लगभग लगभग 600 रुपए की चीज बेची थी और 300 रुपए के आसपास की बाई की थी, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। ये कब की बात है, 28 तारीख को 10 बजे, ये 28 तारीख को 10 बजे के आसपास ये कैंडल दिख रही है आपको रेड वाली। अब देखो मैं इसी को अगर 15 मिनट कर दूंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। इस टाइम पे जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि कभी भी मैं कुछ भी ट्रेड करना चाहता हूं तो हमेशा मैं ये देखता हूं। तो देखो यहां पे आपको देखने को मिलेगा जो अपर वाली लाइन थी ना, मार्केट ने उसको थर्ड थर्ड 15 मिनट की कैंडल में यहाँ पे ऊपर की तरफ को क्लोज कर दिया था, तो इस कैंडल के क्रॉसिंग पे मैंने ट्रेड बनाई थी और जिसकी वजह से मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा था ये देखो मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, मैंने पुट पहले बेचा और फिर हेज बाई किया, तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, लगभग 40 42 हजार रुपए का गैप है और वो चीज मेरी अर्निंग थी, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके कुछ ही मिनट में ये धड़ाम से एक मूव आया था, अगर आपको याद हो 2 दिन पहले की बात है, इतना जल्दी भूलो मत। तो ये जब मूव आया ना तो इसने मेरे पुट साइड की लंका लगा दी, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ देखो उसके बाद जब हम आगे देखेंगे तो मैंने पुट साइड को क्लोज ना करते हुए, मैंने पुट साइड को कोई खास क्लोज नहीं किया क्योंकि उसमें प्रॉफिट था वो 40,000 का, मैंने कॉल साइड भी ऐड कर दी। ये देखो मैंने 52,900 का कॉल 750 रुपए के आसपास में मैंने बेच दिया था, 750 रुपए, समझो आप बड़ी प्रीमियम है, और लगभग 300 रुपए का क्या किया मैंने, बाई किया। इसका मतलब मैंने कॉल साइड में 400 रुपए का प्रीमियम अपना क्रिएट किया है, पुट साइड में 300 रुपए का ही प्रीमियम है मेरे पास, आप समझो। मैं अभी भी बेसिकली कॉल साइड से जो मूव आया बड़ा सा उससे ज्यादा कैप्चर करना चाह रहा था क्योंकि इंट्राडे में ऐसे मूव सस्टेन कर जाते हैं, जो कि हुआ। ये देखो फिर ये मार्केट नीचे ही जाती रही, नीचे ही जाती रही। तो ये कब की बात है, देखो 10:38, मतलब बेसिकली इसी किसी कैंडल पे, मतलब ये कैंडल पे ही मैंने कॉल बेच दिया था, मैंने पुट भी रखा था और कॉल बेच दिया था। अब हम आगे देखेंगे, थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया ये देखो इसमें मैंने क्या किया, थोड़ी देर बाद मैंने पुट वाला पोजीशन काट दिया। इसमें मैंने देखो कितने रुपए बुक किए लॉस में, लगभग लगभग 40,000 रुपए, 40,000 रुपए मैंने पुट में बुक किए।
सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है किसी का भी मैनेज करने के लिए, जब भी हम पोजिशनल ट्रेड करते हैं, आपको ना बहुत जल्दी डिसाइड करना पड़ता है कि ये मुझे हटना है इस ट्रेड के अंदर से। जैसे मैं यहाँ पे नहीं देखता कि मुझे उसमें 40,000 का लॉस हो रहा है या 50,000 का लॉस हो रहा है या 40,000 मैं कमा रहा हूँ। आपका अगर जो रूल है उससे उल्टा जा रहा है मार्केट, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हुआ क्या कि देखो, मैंने बेचे हुआ था 52,900 और जो पुट बेचा हुआ था वो 52,300 का था, क्योंकि 52,300 तब था जब मार्केट ऊपर की तरफ भाग के 52,600-52,700 चल रही थी, तो मैंने 400 पॉइंट अवे का बेचा। बट जब मार्केट तेजी से नीचे आई तो 52,300 वाला बिल्कुल एट द मनी हो गया, और जो मैंने कॉल बेचा वो बहुत दूर है, प्रीमियम ठीक ठाक है क्योंकि फ्यूचर की वजह से, क्योंकि बिगिनिंग के डेज है दिसंबर के। अब जब ये नीचे आया तो हमने ऑलमोस्ट 10:50 के आसपास तक हमारे पास सिर्फ कॉल बचा था। अब कॉल में भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मैं 40,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो ओवरऑल आप देखोगे तो मैंने उसमें 40 गवाए और इस जगह पे मैं 40 कमा रहा हूँ। तो पोजिशनल ट्रेड में कोई पंगा नहीं था, मुझे लॉस कौन दे गया, लॉस दे गया मुझे ये निफ्टी का 24,300 का पुट, क्योंकि मैं निफ्टी में एक्सपायरी थी तो मुझे लगा मार्केट ऊपर को जा रहा है, फटाक से जीरो हो जाएगा। थोड़ी देर तक अच्छा प्रॉफिट भी दिया बट वही पैसे लेके गया, तो ये जो 60,000 का लॉस है ना ये यहाँ पे दिख रहा है आपको। अदरवाइज पोजिशनल ट्रेड ने कोई लॉस नहीं दिया, पोजिशनल ट्रेड इस जगह तक कॉस्ट टू कॉस्ट थी, मतलब मैं ये पूरा मूव सस्टेन कर गया था एंड देन उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद मैं होल्ड किए रहा। ठीक है, ये देखो होल्ड करते करते शाम को 3 बजे के आसपास वो जो 50,000 का लॉस था वो 7,000 पे आ गया। इसका मतलब हम पोजिशनल ट्रेड में 35,000 प्लस पे आ गए थे, 35 से 40,000 प्लस में, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रीमियम हमें मिल रहा था। जो 750 से मैंने बेचा था वो 565 पे चल रहा था, तो इट वॉज गुड, क्योंकि मार्केट देखो नीचे नीचे ही चली गई, मार्केट रुकी नहीं एक भी बार। अगले दिन मार्केट ओपन हुई, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अब मैं तब तक पुट में हाथ नहीं लगा सकता जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी ना, तब तक मुझे ट्रस्ट ही नहीं है पुट में, और मैंने कॉल बहुत महंगा बेचा है तो मुझे इतना डरने की भी नीड नहीं। तो मैंने कॉल का जो हमारा स्प्रेड था उसको मैं होल्ड करके चला गया, और फिर अगले दिन देखो 10 बजे मैंने वापस से, यहाँ पे आप देखोगे 572 लगभग लगभग हम सेम जगह पे ओपन हुए जहां पे हम लास्ट डे क्लोज हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट डे 29 तारीख को अगर आप देखोगे, ये देखो डायरेक्टली हम 184 के प्लस में निकले जो सेल था, और लगभग 90,000 के निगेटिव में था जो हमारा हैश था। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे 94,000 रुपये के आसपास मिल रहे थे जो कि पोजिशनली थे, तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या बचा, 9,000 रुपये के आसपास बचे। इन बिटवीन धीरे धीरे देखो मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में गया था, तो यहाँ पे 491 का लो लगा दिया था कॉल साइड ने, तब उस टाइम पे मुझे 43,000 रुपये के आसपास मिल रहे थे। तो मतलब मैं देखा जाए तो ओवरऑल मैंने वहाँ पे लगभग लगभग 40,000 रुपये बुक किए थे और यहाँ पे 1,28,000 आ रहे थे, तो हम पोजिशनली 80,000 प्लस में थे। इस ट्रेड को करने के लिए 17 लाख रुपये यूज हो रहे हैं, अगर मैं दोनों साइड के डाल दूंगा तो लगभग 27 लाख रुपये यूज होंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे, हाँ फिर लास्ट में 3 बजे के आसपास वो जो गेन था पूरा का पूरा वो यहाँ पे चला गया और हम 10,000 के गेन में ही बचे। अभी भी सिर्फ कॉल साइड ही होल्ड है, मार्केट इस जगह पे बची हुई है। तो अभी क्या इस ट्रेड में हम क्या कर सकते हो, देखो मैं आपको एक फुल लॉजिक दूंगा कि हम इस ट्रेड में कैसे क्या करने वाले। देखो मैंने, मेरे पास कॉल तो है ही, मार्केट अगर नीचे की तरफ जाएगा तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला, कॉल पूरी की पूरी होल्ड रखूंगा ऐसे कैसे, पूरा जीरो होने दूंगा। अभी भी मेरे पास ऑलमोस्ट 3 लाख रुपये का क्रेडिट है, 500 और 200 लगभग 300 अतिरिक्त 27, तो लगभग लगभग, हाँ लगभग लगभग मेरे पास 2.7 लाख के आसपास का क्रेडिट है, जिसमें अभी भी हम थोड़ा बहुत प्लस में ही चल रहे हैं। तो मुझे कुछ भी करने की नीड नहीं है अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, और अगर ऐसा ही ये जो मेरा 52,900 के आसपास का है अगर ये जीरो हो गया तो हम फिर से इस महीने भी ठीक ठाक मेरे हिसाब से 30 लाख पे लगभग हम 9% के आसपास फिर से कमा लेंगे। तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं दिखती मुझे, मैं होल्ड करके रखूंगा। बट इमेजिन कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगे तो हम क्या करेंगे, तो मार्केट जब ऊपर की तरफ जाने लगेगी तो उस टाइम पे मैटर ये करता है कि कब मुझे पुट बेचना है। तब उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में गया और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के चार्ट खोले, और जहाँ पे मैं बिगिनिंग में बेच रहा था 52,300 का पुट ओपन किया मैंने, ठीक है 52,300 का पुट ओपन किया एंड एंड ये गया बावन तीन सौ का पुट और 52,300 का कॉल। अब देखो मैं सिंपली जो एनालाइज करता हूँ, देखो जो ऑप्शंस के चार्ट है ना वो आपको अंडरलाइन के बारे में कई बार चीजें बताते हैं। देखो ये डिराइव अंडरलाइन से हो रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है जो यहाँ पे मूवमेंट पता चल जाती है ना वो कभी कभी जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर नहीं पता चलेगी अंडरलाइन के अंदर। तो यहाँ पे देखो ये जो पुट है ना 28 तारीख को 10:30 बजे के आसपास तेजी से स्पाइक किया ऊपर को एंड 700 रुपए से इसने 1,000 का हाई लगाया। तो देखो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, देखो लोअर लो
लोअर लो लोअर लो लोअर लो, हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई। फर्स्ट टाइम इसने लो लगाया, अगर अब ये ऐसे जाके ऐसे जाएगा तो सिंपली आप समझ लो मैं यहाँ पे पुट वापस से ऐड कर दूंगा। बात समझ आई कुछ? मैं इसको एज अ स्टॉक ही देखता हूँ। मैं अब अगर आप कॉल की बात करो तो कॉल ने देखो, मैं कॉल का चार्ट भी ओपन कर देता हूँ। कॉल का चार्ट अगर आप देखोगे, ये देखो जिस दिन से मैंने ट्रेड बनाई 28 तारीख से, उसके बाद कॉल का चार्ट कैसा है? लोअर लो लोअर लो लोअर, और अभी भी लो की तरफ ही इंडिकेट करता है, ठीक है? जहां तक मैं मुझे ऐसा लगता है, अगर ये जिस जगह पे खड़ा है, जिस जगह पे खड़ा है उससे एक हाई मारेगा, नीचे को आएगा और ये हाई क्रॉस करने का ट्राई करेगा, तो क्या होगा? मैं कॉल को काट दूंगा, और जब ये हो रहा होगा तब तक मेरी पुट में एंट्री हो चुकी होगी, क्योंकि ये ऑप्शंस के चार्ट है। अगर कॉल इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है पुट उसी तेजी से डिक्रीज होता जाएगा, तो मेरी पुट साइड में एंट्री हो जाएगी। अब मैं इसको पूरे टाइम होल्ड कैसे रखता हूँ? पूरे टाइम होल्ड करने के लिए बेसिकली मेरा एक सिंपल पर्पज होता है कि मैं इन दोनों का कंबाइंड चार्ट ओपन करता हूँ, और मुझे अगर कंबाइंड चार्ट इनका लोअर लोज बनाता हुआ दिखता है, तो अगर लोअर लोज बनाता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में सिर्फ साइडवेज मूवमेंट है, मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो मैं कॉल और पुट दोनों बेच के रखता हूँ। बट अगर किसी एक में लोअर लोज है और किसी एक में हायर हाइज बन रहे हैं, तो इसका मतलब है जिस तरफ हायर हाइज बन रहे हैं उसको शॉर्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो अभी क्या हमारे पास पुट में कोई ऑप्शन है सेल करने के? हाँ, पुट में ऑप्शन है, क्योंकि पुट अभी बेसिकली इस जगह से डाउन साइड में आ चुका है। अब मैं देखूंगा कि इसके बाद का मूवमेंट कैसा है। अगर ये अपने लोज को तोड़ेगा, मतलब ये जो एरिया है ना, ये 700 रुपए के आसपास वाला, 700 या 680 रुपए के आसपास वाला, ये लो को तोड़ेगा तो मैं पुट साइड का स्प्रेड फिर से ऐड कर दूंगा, और मैं देखूंगा कि मुझे कॉल साइड में क्या चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, या फिर मैं उसको सस्टेन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट अगर मान लो ये मेरी ट्रेड तो चल चुकी है, अगर मान लो आपकी ट्रेड, जैसे कि आप नई ट्रेड बनाना चाहते हो, तो फिर उस टाइम पे क्या करोगे? अगर आप नई ट्रेड बनाना चाहते हो तो मैं चार्ट देखते हैं इसको हटाता हूँ। देखो, अगर आप एक नई ट्रेड बनाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से तो यही रहेगा कि आप डायरेक्टली एक साइडवेज ट्रेड से स्टार्ट करो। जैसे कि मेरे हिसाब से देखो, मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन तो कर रहा है, और अभी इस वक्त अपना जो बेसिक वीवैप था मंथली, उसके भी ऊपर ही चल रहा है, मतलब थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम आ गया है मार्केट में, ठीक है? तो हम ये कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा पुट इस इलाके का बेचें, लगभग लगभग 51,600 के आसपास का, या थोड़ा पास का, ये जो लो एरियाज हैं आप यहाँ के भी बेच सकते हो। एंड जो कॉल है, हम थोड़ा सा इसके हाई पे ले जाएं, लगभग 52,700 52,800 के आसपास। तो मैं आपको एक जस्ट एक डेमो बना के दिखाता हूँ, अगर कोई नया बंदा है जो न्यू ट्रेड ट्रेड करना चाहता, तो मैं बिल्डर में गया और 28 दिसंबर पे गया, अभी भी 25 DT बचे हुए हैं। ये मैंने लगभग 0.4 डेल्टा का सेल किया है, और पुट साइड में 52,000 52,351,800 0.39 का सेल किया है, ठीक है? ये ठीक है, मैंने सेल कर दिया। एंड अगर मैं इनकी हेजेस की बात करूँ तो 0.4 तो 0.2 के आसपास चला जाएगा कॉल में। बाई और इस तरफ चल के 590-600, तो 300 रुपये के आसपास का यहाँ पे भी बाई। ये देखो, तो अगर मैं बिगिनिंग करने की बात करूँ, कि अगर आपको बिगिन करना है, मेरी ट्रेड रनिंग में है, मैं उसको अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये प्राइसेस डेल्टा थीटा ये सब बहुत ज़्यादा, मैंने यही किया है 5 साल 8 साल, तो मुझे इसकी बहुत समझ हो चुकी है कि हाँ मार्केट कितना मूव करेगा, क्या करेगा, और अगर मेरे अगेंस्ट में जाता है तो मुझे कैसे मैनेज करना है, या फिर मुझे जल्दी से कब निकलना है, ये चीज का टेम्परामेंट रहता है। बट इस जगह पे अगर आप देखोगे तो मुझे ये जो सेटअप है, ये वाला, ये मुझे सही लगता है। अगर आप एक बिगिन कर रहे हो, ट्रेड को डालना चाहते हो, तो ये ट्रेड यहाँ पे आप देखो, इसका जो मैक्स लॉस है लगभग 7,000 रुपये के आसपास है, और जो मैक्स प्रॉफिट है लगभग 9,000 रुपये के आसपास है, मतलब 1:1.2, हाँ 1:1.2 के आसपास का आ रहा है। पीओपी लगभग 43-44 के आसपास है, और हमें रेंज भी ठीक ठाक मिल जाती है। अब देखो क्या होता है कि कई लोग बहुत ज्यादा सेफ्टी ढूंढते हैं, मतलब पीओपी बहुत लंबी रखना चाहते हैं, कई लोग प्रॉफिट ढूंढते हैं, तो मेरा ये है कि मैं प्रॉफिट रखूं क्योंकि मुझे देखो
मुझे 18% नहीं कमाना है अपने मार्जिन पे, आप समझो मेरी बात को, मुझे अपने मार्जिन पे 5% ही कमाना है। तो मैं अगर 18% लेके चलूंगा और मैंने दो चार गलतियां भी कर दी पूरे महीने के अंदर, मतलब मान लो मार्केट मैं पुट साइड के उसमें था, मार्केट गैप डाउन खुल गई, मेरे पास कॉल साइड का स्प्रेड था, मार्केट गैप अप खुल गई, तो ये जो कुछ गलतियां हैं मैं वो भी सस्टेन कर सकूं और उसके बाद भी मेरे पास 5% बच जाए, आई एम गुड टू गो, मतलब मेरा महीना ठीक हो गया। तो मैं इसीलिए स्टार्टिंग थोड़े ऐसे महंगे प्रीमियम्स के साथ या ज्यादा प्रॉफिट्स के साथ करता हूँ, जिसकी वजह से मेरी गलतियां छुप जाए और दिखे ना। बात समझ में आ गई? कई लोग क्या करते हैं, कई लोग इसी चीज को बिल्कुल दूर दूर का बनाएंगे और उन्हें लगेगा पीओपी। जैसे मैं आपको जो समझा देता हूँ, कई लोगों का मेन सेंस क्या होता है, वो पुट बहुत दूर का बेचना चाहते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पे 50-500 का पुट बेच दूं और उसके बाद हेज बाई कर लूं 45-500 का, ठीक है, उसके बाद मैं कॉल जो सेल है मेरा उसको मैं लगभग बहुत दूर ले जाता हूं और जो मेरा हेज है उसे और दूर ले जाता हूं। ये लो, अब देखो यहां पे क्या दिखेगा आपको, यहां पे दिखेगा कि आपके पास पीओपी 70% हो गई है। आप पीओपी और बढ़ाना चाहो तो ले लो, मैं बिल्कुल आपको दिखाता हूं कि कई बार आपको क्या देखने को मिल सकता है। ये लो, कई बार आपको लोग ये भी बोल सकते हैं कि देखो ये भी तो बहुत अच्छा है, आपकी पीओपी 84% है, देखो इसमें आपके पास कमाने के लिए ना 3.2% ही है बिगिनिंग से, तो मतलब ये तो हो गया बिल्कुल एग्जैक्ट कि मंथ में मार्केट इसी बीच में रहेगा, आपके पास बड़ा मूव कवर करने का एरिया है। पर अगर आपसे गलती हो गई, अगर आपसे गलती हो गई, मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया, आप मैनेज नहीं कर पाए, तो ये जो 3.2% है ना, मतलब ये जो 1500 रुपए है पर लॉट, इसको खोने में कोई टाइम नहीं लगता, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, कोई टाइम नहीं लगता। आप मेरी ट्रेड्स खुद देख सकते हो, मैंने पुट साइड की ट्रेड डाली, मुझे फटाफट से 40,000 का लॉस हो गया, फिर मैंने कॉल साइड की ट्रेड डाली महंगी कि मैं वो 40,000 कवर कर सकूं फिर प्रॉफिट में आऊं। तो ये तभी मैनेज हो सकता है जब आपके पास प्रीमियम हो, अगर आपके पास प्रीमियम नहीं होगी तो आप मैनेज नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा मेन जो पर्पज होता है, मेरा क्या होता है कि मैं महंगा स्टार्ट करूं, तो इसलिए जो मैंने स्टार्ट किया वो क्या था, मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको पुराना मैं दिखा सकूं। एट द मनी से थोड़ा दूर गया मैं, मैंने लगभग 51-800 के आसपास सेल कर दिया, 590, फिर 300 के आसपास बाई कर लिया, 300 पॉइंट मुझे इधर से मिल गए, फिर मैं अपर साइड में गया और मैंने देखा कि ये रहा, सेल किया 0.39, और ये भी कितने का है, लगभग 540 का है, तो लगभग लगभग 200-250 बाई। ये लो मैंने क्या किया, देखो मैंने थोड़ा सा महंगा बनाया है। महंगे वाले में एक और अच्छी बात होती है कि इसका जो एमटीएम स्विंग होता है वो छोटे मोटे मूव्स पे नहीं डिपेंड करता, जो छोटे मोटे मूव्स आपको देखने को मिल रहा है इन पे डिपेंड नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मार्केट अगर 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे जा रहा है तो ये आपको कोई खास मैटर नहीं करेगा, क्योंकि इसका एमटीएम स्विंग ब्लू लाइन बहुत ही सपाट हो जाती है, क्योंकि आपके पास दोनों साइड से गलने के लिए चीजें हैं। आप इधर से चीज अगर मार्केट नीचे को गिरी तो ये 300 पॉइंट गिरेगा भी, अगर ये 300 पॉइंट बढ़ेगा तो वो चीज की वजह से आप ओवरऑल सिक्वेंस मैच कर लेते। जैसे मेरी ट्रेड थी पुट में, जो मुझे लॉस हुआ वही कॉल ने कवर कर दिया, तो मैं उस बड़े मूवमेंट के बाद भी, जो शार्प क्रैश आया था 28 तारीख को सुबह, उसमें भी मैं फ्लैट ही था, कॉस्ट टू कॉस्ट ही था। तो अब मैंने वो जो शार्प मूव था वो मैंने झेल लिया है, अब आगे मेरे कमाई का टाइम आएगा तो मैं उसमें कमा भी लूंगा। तो ये चीज को मैनेज करना बहुत देखना पड़ता है, आप इसको आराम से तभी कर सकते हो जब आपके पास प्रीमियम होगी। तो इन द बिगनिंग ऑफ द डिसम्बर एक्सपायरी अगर आप इस वक्त ट्रेड डालने वाले हो तो मेरे हिसाब से ये एक परफेक्ट सेटअप है टू बिगिन विद, एंड देन वील सी कि मार्केट मूव किधर कर रहा है। अगर ये डालने के बाद मार्केट 52-500 के ऊपर निकलता है तो मैं कॉल साइड को निकाल दूंगा और पुट साइड को होल्ड करके रखूंगा, मेरे पास पुट में प्रीमियम कितने उस पर डिपेंड करता है। अगर मार्केट ऊपर को गई और कॉल साइड ने आपको जो भी लॉस दिया है तो पुट की साइड में हमेशा ये देखना कि ये काटने के बाद कितना प्रॉफिट बचा है। अगर वो काटने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचा है तो आप दोनों काट देना, जैसे मैं करता हूं कई बार, बट मोस्ट प्रोबेबली इतना महंगा प्रीमियम रखोगे तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बता दूं कि अगर मार्केट यहां से मूव कर भी गई और आपके कॉल साइड में आपको लॉस भी हो गया कुछ भी, तो पुट साइड तब भी लगभग लगभग 300 रुपए 250 रुपए आपके पास होंगे टू गेन विद। तो 250 रुपए पर योर क्वांटिटी, फिर वो आपके पास एक ठीक ठाक पैसा होता है। आप निकले कब, आप निकले तो कॉस्ट टू कॉस्ट में हो, तो ये चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती। तो टू बिगिन विद आपके पास ये ट्रेड है और आप
मेरी ट्रेड को अगर फॉलो करना चाहते हो जो मैं दिसंबर मंथ में लगा रहा हूँ, अभी देखो चैलेंज स्टार्ट किए मुझे 30 लैक्स का, अभी एक महीना कंप्लीट हो गया है, नवंबर मंथ की ट्रेड्स मैंने सारी कर ली हैं। अब पोजिशनल पोजिशनल ट्रेड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि महीने के बिगिनिंग में एक ट्रेड डालूंगा मैं और उसको लास्ट तक रखूंगा, नो, नथिंग लाइक दैट। नवंबर में मैंने 2 ट्रेड्स करी थी, मतलब एक ट्रेड बिगनिंग में करी थी फिर एक ट्रेड मिड में करी थी, तो ये चीजें मैं करता रहता हूँ। मुझे दिसंबर में अगर बिगनिंग में ही लगा कि मुझे 5-6% या 4% आ गया है तो मैं उसको क्लोज करूंगा और फिर एक और सेफर ट्रेड लेने का ट्राई करूंगा जिसमें मैं अगर 1-2% भी आ गए तो मेरा महीना सफल हो जाएगा। तो थोड़ा सा प्लान में डिफरेंटली करता हूँ, ऐसा नहीं होता है कि मंथ की एक ही ट्रेड है, कोई उसमें वो नहीं हो, मूव के ऊपर डिपेंड करता है कैसा क्या है और डीके के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने ट्रेड डाली थी किसी मोटिव से और मोटिव पूरा हो गया तो उस ट्रेड का वहां होने का कोई नीड नहीं है। क्लियर है बात? तो दिसंबर मंथ के लिए बहुत ही सिंपल प्लानिंग है मेरी अभी के लिए। मैंने आपको चार्ट दिखाई दिया है, चार्ट में आपको आराम से समझ आना चाहिए कि क्या मीनिंग है इन 3 लाइनों का। इसके नीचे आएगी तो बेसिकली फिर से बेरिश मोड में एंटर कर जाएगी मार्केट और बियर्स का थोड़ा ज्यादा दबदबा हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगी तो बुल्स का दबदबा रहेगा क्योंकि बैंक निफ्टी उतना ड्रॉप नहीं कि जितना निफ्टी ने ड्रॉप किया था, फॉर जस्ट फॉर द नॉलेज। ओके, निफ्टी बेरिश थी, बहुत ज्यादा बेरिश थी, बट बैंक निफ्टी को कोई बोले कि बेरिश था तो बैंक निफ्टी आज तक कोई बेरिश नहीं था। बैंक निफ्टी ने डाउन मूव किया था, फ्लैट साइन था और उसके बाद फिर से अभी अपर लेयर्स पे टकरा रही है। देखो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार टकरा चुकी है तो इसको तोड़ने का ट्राई कर सकते हैं आराम से। और इसके बाद आपको काफी अच्छा एक 500, 800, 1000 पॉइंट का मूव आराम से देखने को मिलेगा और वो मूव अगर आया तो आपकी पूरी ट्रेड सफल हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना। अभी मेरे पास कॉल सेल है, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्पाइक है जो मार्केट नीचे को गिरी थी और मैंने एक अच्छे प्रीमियम पे बेचा था 750 रुपए के आसपास जो कि अभी 500 चल रहा है, तो मैं 200 के प्रीमियम पे अभी भी और बेटर जगह पे खड़ा हूँ। तो अगर थोड़ा सा ऊपर जाएगा भी तो मुझे पुट ऐड करने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैं फटाक से पुट सेल कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया हो। मैं थोड़ा ना आई नो कि मैं थोड़ा बिगर पिक्चर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, बट मैं इसलिए करता हूँ ये सारी चीज़ें कि मैंने अपने चैनल पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो बेसिक डिटेल्स है मैंने हमेशा समझाई हैं, तो उसकी वजह से मैं यही सोचता हूँ कि जो भी यहाँ पे कुछ भी देखने आ रहा है तो आई होप कि आप लोग ना थोड़ा बेसिक नॉलेज के साथ रहें। आप कभी भी ना अगर देख रहे हो तो मैं कोई भी कोई स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा कि ये कोई स्ट्रेटजी है, मैं सिर्फ एक नॉलेज बेस के हिसाब से चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप कैसे मार्केट को प्ले आउट कर सकते हो। प्ले करना आना चाहिए मार्केट को आपको कि हाँ मैं इस चीज को ऐसे करूंगा तो ये चीज हो सकती है। तो मेरा प्ले करने का तरीका है महंगा बेचो, धीरे धीरे गलतियां करो और एक बड़ा प्रॉफिट लेके चले जाओ, दैट्स इट। गलतियों को एक्सेप्ट जल्दी करो। आप मैं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं अगर 40,000 का पुट में लॉस बुक नहीं करता तो मुझे कॉल अच्छा प्रॉफिट नहीं देता, मुझे वो डिसीजन लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते कि नहीं नहीं अभी पलटेगा पलटेगा पलटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा हुआ वीडियो। आप इसको फॉलो करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे, थीटा गेनर्स का टेलीग्राम है, यहाँ पे लगभग 1.34 लाख यूजर्स हैं, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपनी जो ट्रेड्स हैं यहाँ पे मैं डालता रहता हूँ जिससे आपको एक समझ मिलेगी, मैं कॉपी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको एक समझ मिलेगी कि आप कैसे इन चीज़ों को कर सकते हो, कैसे आप थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग ला सकते हो मार्केट बिहेवियर को लेके। ठीक है, तो और मैं थोड़ा सा ऑप्शंस के चार्ट्स को ज़्यादा देखता हूँ, मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को उतना प्रेफरेंस नहीं देता जितना मैं ऑप्शन के चार्ट को देता हूँ प्रेफरेंस की, क्योंकि ऑप्शन के चार्ट से जल्दी चीज़ें समझ आ जाती हैं, थोड़ा क्लीन एरिया देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालना। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।